हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों आपको मैं पूरी प्रोसेस ही बताऊंगा कि किस तरीके से पाउडर से लेके एक आइसक्रीम रेडी होने तक क्या प्रोसेस रहती है और क्या क्या रॉ मटेरियल डलेगा, कितने का डलेगा और कितने रुपए में कौन पड़ेगा और वो कितने रुपए तक बेच सकते हैं और ये बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अगर आपके पास 1.5 लाख रुपया है तो कंटिन्यू इस वीडियो को आप देख सकते हो, 1.5 लाख रुपए के अंदर ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। अगर रोकड़ा नहीं भी है तो भी इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि बजाज फाइनेंस के माध्यम से और लोन के माध्यम से भी इस मशीन को आप खरीद सकते हो और मॉडल बहुत सारे हैं, है ना, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के अंदर। और हमारे पास आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करने के लिए केवल आपके पास अगर 50,000 रुपया है तो आप सॉफ्टी के ये आइसक्रीम के बिजनेस के अंदर एंटर कर सकते हो। उसमें 200 कोरियन आइसक्रीम मशीन का आप सेटअप कर सकते हो। उसके बाद फिर बड़ी मशीन आ जाती है सॉफ्टी आइसक्रीम 200 कोरियन आइसक्रीम में। और सॉफ्टी के अंदर तो हमारे पास जो है ना छोटे से लेके बड़े तक में, ये छोटा वाला मॉडल आपके सामने है, इसको टेबल टॉप मॉडल बोलते हैं, जो 3+1 ही है, यानी कि दोनों के अंदर से अलग अलग निकलेगा, एक में चॉकलेट निकलेगा तो एक में वेनिला निकलेगा और बीच में से कॉम्बो निकलेगा। ये मिसाल के तौर पर फ्लेवर का चॉकलेट का वेनिला का नाम बताया। बाकी हमारे पास जो अगर फ्लेवर की लिस्ट की बात करें तो इसमें 20 फ्लेवर मिल जाते हैं SS टेस्टी फ्लेवर कंपनी के, है ना। आप देख सकते हो ये हमारा वेनिला फ्लेवर है और ये जो है ना बटर स्कॉच है। तो अभी हम बनाएंगे वेनिला और बटर स्कॉच। सबसे पहले हमको जो है वो वजन कर लेना है कि भाई कितना फ्लेवर जो है हम डालेंगे। तो इसके अंदर हम 1-1 लीटर जो है वो अभी दूध लाए हैं। अगर समझ लीजिए कि आप 4 किलो प्रीमिक्स पाउडर ले रहे हैं ना, तो उसके अंदर आपको 1 किलो प्रीमिक्स पाउडर ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको डालना है 4 लीटर दूध। अभी जो मैं डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ 1 लीटर दूध, तो उसके अंदर प्रीमिक्स पाउडर जो है वो 250 ग्राम आएगा, बराबर है, 250 ग्राम आएगा इसमें। तो अभी हम ले रहे हैं 1 लीटर दूध के अंदर। देखिए तो ये हमने 1 लीटर जो है फुल फैटी दूध ले लिया है, ये अमूल का फुल फैटी दूध है, अमूल गोल्ड है ये। अभी अमूल गोल्ड ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और ताजा क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये भी बता दूं आपको, क्योंकि फुल फैटी से एक क्रीमी आइसक्रीम बनता है। अब इसके अंदर हम ना क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, अगर हमको ज्यादा क्रीमी चाहिए सर तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं आप, उससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा, ऐसा आइसक्रीम आपके पूरे शहर में नहीं मिलेगा। हाँ तो ये आपका जो है हमने मिल्क ऐड किया है, देखिए मिल्क ऐड हो रहा है, 1 लीटर मिल्क जा रहा है, 500 ml की 2 थैलियां है। इसका क्या भाव, क्या भाव में लेके आए हैं भाई दूध? हाँ दूध क्या भाव मिलता है? 34 रुपए की एक दूध की थैली है, तो अपन 35-35 गिन लेते हैं और 70 रुपए आपके 70 रुपए का लीटर दूध हो गया, 70 रुपए लीटर दूध है। और प्रीमिक्स पाउडर की अगर बात करें तो 200 रुपए का 1 किलो रहता है, तो 250 ग्राम के 50 रुपए ये हो गए, 70 रुपए हो, 120 रुपए का हमारा जो है माल जाएगा। आधा डाल देता हूँ फिर वजन कर लेते। ये प्रीमिक्स पाउडर हमने डाल दिया, चलिए चेक कर लेते हैं कि कितना डल गया है अभी तक। हाँ बिल्कुल सही है, थोड़ा सा डालना है। तो इसमें 500 था तो हमने 250 डाल दिया और 250 बच गया, ठीक है। तो ये 250 ग्राम हो गया। ये इस तरीके से ब्लेंडर ले लेना है और अगर आपको चाहिए तो हमारी कंपनी खुद भी सेल करती है ऐसे टेस्टी फ्लेवर, वहां से भी मिल जाएगा और 2 मिनट के अंदर जो है वो तैयार हो जाता है, ज्यादा देर लगती नहीं है क्योंकि पाउडर फॉर्म में रहता है और दूध रहता है, तो ये दोनों चीजें जो है मिक्स हो जाती है। और आपका जो है प्रीमिक्स पाउडर और दूध मिलेगा तो ये बन जाएगा आपका रॉ मटेरियल, जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, लिक्विड रॉ मटेरियल बोलते हैं इसको। जो ये आपका वेनिला लिक्विड रॉ मटेरियल अपना रेडी हो गया है, फिनिश हो गया। ये ऐसा करेंगे ना तो थोड़ा बबल्स ज्यादा बन जाता है, एयर मिक्स हो जाता है ऐसा करने से, ये इस तरीके से करने से, तो एयर जितना मिक्स होगा उतना ज्यादा जो है वो दिखेगा कौन बड़ा, ग्राम तो उतनी जाएंगे, जैसे 50 ग्राम का एक कौन बनता है छोटू, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम उसमें पफ, मशीन के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है पफ टेक्नोलॉजी, इसको बंद करो भाई, हो गया चल। तो मशीन के अंदर एक टेक्नोलॉजी दी जाती है पफ टेक्नोलॉजी, जो आपको एयर अंदर फील करती है, माल के अंदर एयर डालेगी, ठीक है। तो ये अभी हमने बनाया था वेनिला, अब हम बनाएंगे बटर स्कॉच।
और अगर किसी के पास ऐसा जहनी नहीं भी है तो प्रीमिक्स पाउडर डाल के थोड़ा ऊपर से इस तरीके से भी डाल सकते हैं तो मिक्स हो जाएगा उस, और फिर हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। ढाई सौ ग्राम डाल दिया इसमें। इस तरीके से आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है। फिर चमची से हिला देना है तो मिक्स हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। फिर तो हमारे पास है सुविधा, हम उसी से करेंगे, ये तो किसी के लिए नहीं है तो ऐसे भी कर सकते। इससे भी कर सकते हैं मिक्सअप, लेकिन मेरा ये सजेशन है क्या बोले जिससे, देखिए माल जो है ना इसमें ऐसा साथ में एयर मिक्स होगा, बबल्स आएगा, ये देखिए। चलिए अब इसको हम डालेंगे मशीन के अंदर। मशीन के अंदर 10-10 liters के हॉपर्स दिए हुए हैं, हॉपर्स के अंदर जो है माल डलेगा। क्लीनिंग ऑन है, अभी क्लीनिंग चल रहा है, और जब भी आप डालें उसके अंदर माल को, ये जो आपका रॉ मटेरियल है, सजेशन यही है कि उसको आप अच्छे से क्लीन करें। देखिए क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लीन नहीं करने की वजह से अंदर अगर पहले का माल पड़ा हुआ है और ऑटो क्लीनिंग मशीन में आता है मोड, उससे क्लीन किया हुआ है और ऊपर से जरा भी हाथ नहीं मारा, तो अगर दूध वगैरह थोड़ा सा भी रह गया पहले का बिगड़ा हुआ, तो उससे क्या होगा, नए दूध को वो फाड़ देगा, तो आपकी जो है दूध की आइसक्रीम की जगह पर दही वाली आइसक्रीम निकलेगी खट्टी खट्टी, तो मज़ा नहीं आएगा टेस्ट में। और उससे कस्टमर ने अगर एक कौन खा लिया आपका, तो वो फिर आपके पास दोबारा कौन खाने के लिए आएंगे नहीं, ऐसा कस्टमर ग्राहकी टूट जाएगी। तो अच्छे से क्लीन करें इस मशीन के अंदर, और कोई काम नहीं करना है, सिर्फ उसको अच्छे से क्लीन रखना है, यही इसकी मेहनत है। और तो क्या है, बाकी बटन दबाएंगे, हैंडल को खोलेंगे और आइसक्रीम बन के आपका निकल जाएगा, बस। क्योंकि इसका फ्लेवर भी बनाना बहुत ईजी है, उसके फ्लेवर में चीनी वगैरह भी घोलनी पड़ती है इसमें, तो सीधा 2 मिनट में रेडी हो जाता है। और आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है, बना बनाया माल अभी नहीं, कस्टमर आया पूरा प्रोसेस दिखा रहे कि भाई आपके सामने दूध लाए और इसके अंदर जो प्रीमिक्स पाउडर डाले और अंदर उसको मशीन में लोड करेंगे। ये हॉपर से ये जो चीज है ना जो आप देख रहे हैं, ये कंटेनर, यही कंटेनर अंदर फिट किए हुए हैं, उसके अंदर कूलिंग कॉइल से। अब ये कंटेनर को क्या करना है, आपको पानी डाल के अच्छे से बस कपड़ा वगैरह है उससे क्लीन कर दो, दोबारा एक दफा पानी डाल के मशीन को ऑटो क्लीनिंग मोड पे डाल के पानी को पूरा निकाल दो, बस खत्म। और अगर आप हल्का वॉर्म वाटर डाले तो ज्यादा अच्छा है। एक वो किटली आती है अमेजोन पे भी मिल जाती है, 1000 रुपए के आसपास की, 1000-1500 रुपए की, गर्म पानी कर देती है, गर्म पानी नॉर्मल गर्म डाले ताकि वाइसर वगैरह मशीन के पिघल ना जाए, बहुत गर्म हो जाता है उसमें बस ज्यादा ही हो जाता है गर्म, तो उससे फिर मशीन को प्रॉब्लम हो सकती है। मशीन के अंदर कॉम्प्रेशर, ड्यूअल कॉम्प्रेशर रहेगा इसमें। एक कॉम्प्रेशर क्या करता है कि ये जो आपका यहाँ पर जो है दोनों चैम्बर रहते हैं, जिसके अंदर आपका 1-1 liter माल तो इसी में चला जाएगा। अभी हम माल डालेंगे ना तो ऊपर नहीं दिखेगा, ये सब माल मशीन के ये जो दो चैम्बर्स है उसी के अंदर आ जाएगा, जहां पर आइसक्रीम बनता है। तो आइसक्रीम मेकिंग होती है यहाँ और ऊपर जो माल है वो स्टॉक रहता है। तो हमारी मशीन के अंदर ये टेक्नोलॉजी है कि प्री कूलिंग सिस्टम भी मिलता है ड्यूअल कॉम्प्रेशर के साथ, यानी एक छोटा कंप्रेसर है वो ऊपर की साइड में आपका जो माल पड़ा है रॉ मटेरियल, ये जो भी है ना माल अपना, इसको ठंडा रखेगा। देखिए अभी ऑलरेडी ठंडा है क्योंकि हमने बाहर से ठंडा दूध लेके डाला है उसमें, लेकिन इसको 2-3 घंटे हो जाएंगे तो सर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो फिर ये बिगड़ सकता है। तो उसके लिए इसमें दिया हुआ है, जो सब मशीनों में ये फीचर्स नहीं मिलते हैं, ड्यूअल कंप्रेसर है तो ऊपर हॉपर में भी कूलिंग करेगा वो, तो आपका रॉ मटेरियल ठंडा रखेगा। रॉ मटेरियल ठंडा होने के 2 बेनिफिट है, एक तो ये कि आपका जो है दूध खराब नहीं होगा, आपका रॉ मटेरियल खराब नहीं होगा, दूसरा ये बेनिफिट है कि मशीन के अंदर जब ये माल जाएगा ठंडा ठंडा, तो वो मशीन को एक हेल्प होगी, उसको बर्फ उसको आइसक्रीम जमाने में एक मदद हो जाएगी, क्या उसको पहले अगर गर्म माल है तो उसको ठंडा करने में समय जाएगा, फिर ठंडे में से आइसक्रीम करने में समय जाएगा, तो अब उसका काम जो है फास्ट हो जाएगा, ड्यूअल कंप्रेसर से ही होता है।
कैप की कॉन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, पर आवर 60 कॉन मशीन निकाल के दे देगी आपकी, 60 कॉन ये वाली मशीन 50 ग्राम के, ठीक है। तो अब ये देखिए हम डाल रहे, डाल दे, डाल दो, अरे डाल दो, सिला बोल के डाल, वो अंदर की साइड में इंस्टॉल रहते हैं, उसमें कूलिंग कॉइल लगी हुई रहती है और वो फिटिंग होते हैं मशीन में, जैसे ये सिंक फिट है, ये नीचे है ऐसा फिटिंग, ऐसा वो फिट है मशीन। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम एक पंप वाला मोड ऑन करेंगे, क्या आपको आवाज आ रही है बुड़ 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 बुड़, तो अभी जो है मशीन के अंदर दो पंप दिए हुए हैं, डालिया दो पंप दिए हुए हैं जो एयर अंदर ऐड करेंगे अपने माल के अंदर, जिससे क्या होगा कि फुलावा ज्यादा होगा। मशीन का नाम है सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, तो सॉफ्ट, तो सॉफ्ट होगा एयर के फील होने से, जैसे हम जो कड़क आइसक्रीम खाते हैं तो वो भी एक्चुअली में एयर डली हुई रहती है, तभी हमको 500 ग्राम के अंदर इतना बड़ा पैकिंग मिलता है हैमर वगैरह को, उसमें एयर होती है। तो ये हर मॉडल के अंदर ये फीचर्स नहीं आते मैम, ये भी मैं एयर का ये भी डाल रहा हूँ, तो अभी अंदर मिक्स करना शुरू हो गया। आप आइए ना सर, ये फीचर्स आपको अंदर देखने से पता चलेगा, आ जाइए। हेलो, आ जाइए, देखिए नोटिस कीजिए सर, यहाँ देखिए, यहाँ ये बबल्स बन रहा है, देखिए बोड़ बोड़ बोड़, देखो वहां पे भी बन रहा है। अगर बंद कर दूंगा ना मैं, तो ये जो भी आपको फूल दिख रहा है ना, फूल नहीं बनेगा। अभी अंदर एयर को डाल रहा है अपने माल में, कंटिन्यू एयर डाल रहा है, तो उससे आइसक्रीम के टेस्ट में मजा ज्यादा आ जाता है। अब ये ऊपर जो है इसके ढक्कन दिए हुए हैं, तो ढक्कन को ढक देंगे। अब इसमें एक ये भी है मैडम कि यहाँ पर देखिए दो आपको अलग अलग पाइप मिल रही है, इसमें आपका जाम निकलेगा, रिपल जाम। जैसे सोडा सॉप बिजनेस के अंदर मैंने आपको बताया कि जीरा मसाला कॉस्टिंग 3 रुपए का है, 1 रुपए का अंदर नींबू और मसाला डालते हैं तो 25 रुपए में बिकती है चीज, ठीक है। इसी तरीके से ये कॉर्न की कॉस्टिंग होती है 8 रुपए, और 8 रुपए के ऊपर अगर हम 50 पैसे का रिपल डाल देते हैं तो जाली वाला जाम वाला जो है आपका एक कॉर्न रेडी हो जाता है। ये कॉर्न आपका रेगुलर कॉर्न अगर सेल हो रहा है 15 रुपए में, तो उसको आप सेल करते हो 25 रुपए में या 20 रुपए में, क्योंकि वो एक रिपल बहुत खूबसूरत तरीके से ऊपर एड हो जाती है, जैसे इसमें है अभी फोटो में, ये वाले जो है वो जाम के बिना वाले हैं और ये जाम वाले हैं, और ये आपके सामने ये जाम आ गया हमारा, ठीक है। एक तो चॉकलेट के अंदर कैडबरी वाला जैम है हमारे पास, ये कैसा है कि अपने कॉर्न को जो है वो आपने एक चॉकलेट फाउंटेन मशीन ले लिया और उसके अंदर इसका चॉकलेट का फुहारा कर रहे हैं, और कॉर्न लिया, कॉर्न को उसमें हम डाल दे रहे, डुबा दे रहे, तो ऊपर पूरी परत जम जाएगी, जैसे हम बाहर का कॉर्न तैयार खाते हैं हैमर वाली लाल ऐसी बड़ी कंपनी का, तो उसके ऊपर कैसे ऐसा जमी हुई रहती है पूरी परत, ये परत जमाने वाला चॉकलेट फ्लेवर है, उसमें दोनों रहते हैं, एक तो एक जाम वाला रहेगा जो ऊपर ऐसे टॉपिंग टाइप डलेगा, और ये ऐसा है कि ये परत बना देगा ऊपर, पपड़ी बना देगा पूरी, तो हम दोनों ही करके बताएंगे आपको। ये पपड़ी वाला एक बना देते हैं, अभी आप जैम वाला है आप या जेली वाला ऊपर वो वाला डालना है क्या, अरसी सी से डालो, ये थोड़ा पतला रहता है, ये एक ये जो है, हाँ कर दीजिए मशीन ऑन कर दीजिए, मशीन को ऑन करना है, ऑटो पे डाल रहे हैं हम, ठीक है। हाँ ये आपका पफ हो गया, ठीक है, प्रीकूलिंग हो गया, एक जाम है, चलो हमने इसको ऑन किया है, फर्स्ट टाइम मशीन ऑन हुई है, पहले से ऑन नहीं थी, आधा घंटा लगेगा इसको, ठीक है, हाँ आधे घंटे में हो जाएगा ये, तो अभी 3:40 हुआ है, तो हम देख लेते हैं इसको, ठीक है, आधे घंटे के बाद देख लेते हैं। अब ये वाला डाल देते हैं, चलिए अपने ब्लूबेरी फ्लेवर है, ये जो रिपल है आपका, आइए मैं आपको दिखा देता हूं, इसको फिल क्या करना है, रिफिल। इसमें हमारे पास तकरीबन 15 से 20 फ्लेवर है रिपल टॉपिंग के, ये देखिए ये डाल दिया मैंने, ठीक है। हाँ अब ये आपका रिपल निकलेगा आगे, कि जो अभी टॉपिंग था ना ये आ गया, ठीक है,
क्योंकि अभी डाला है, जस्ट लाए नहीं थे, तो ये अभी ये वाला ला रहे हैं। देखो वो वाला एक आ गया कलर, अलग अलग कलर के हैं, अब ये वाला आएगा, यहां से आना शुरू होगा। देखो आना शुरू हो गया, देखिए ये वाला आना शुरू हो गया, पहले ये वाला आ गया, अभी आ रहा है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी ऑपरेट कर लेगा, तो आप तो पढ़े लिखे है ना, तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। ये जो है शायद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और ये वाला जो है ब्लैक करंट, जो अभी हम डाले ब्लैक करंट भी लाने, स्ट्रॉबेरी है प्लस वेनिला है प्लस बटरस्कॉच है और बीच में कॉम्बो है। यानी ये मशीन जो है उसमें अलग अलग डिजाइन डाई के आप 20 प्रकार के कोन बना सकते हैं। यानी 20 लोग खड़े हैं तो सबको अलग अलग शेप की मैं आइसक्रीम दे सकता हूं, और 5 लोग खड़े हैं तो सबको अलग अलग टेस्ट की दे सकता हूं। ये की मशीन एक ही रहेगी, 20 लोग खड़े सबको अलग अलग डिजाइन की दूंगा, हर व्यक्ति के पास डिफरेंट मशीन होगी या डिफरेंट कोन होगा अपने हाथ में। ये फ्लावर डाई वाला मॉडल है, फ्लावर, ये फ्लावर डाई ये करती है सर के आइसक्रीम की बनावट को यूनिक कर देती है। ऐसा ऐसा लगता है जैसे फूल दे दिया हो हाथ में, गुलाब का फूल दे दिया हो। अभी बना के दिखाएंगे आप, तो यहां पर लगेगा ये उसकी डाई रहती है, डाई ये देखिए, ये स्टार डाई है। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बहुत प्रकार के डाइज है, ये कौन रहते हैं, कौन भी आपको मिल जाएगा हमारी शॉप में, ठीक है, एसएस टेस्टी फ्लेवर में। ये कौन बनाने की मशीन भी मिल जाएगी। अभी देखिए ये जो कौन है वो ये कौन होल्डर में मैं डाल रहा हूं, फिर ये ऑटो जो है निकल जाएंगे, ठीक। ये देखिए इस तरीके से जो है अंदर जा रहे हैं, ये कितने सारे चले गए देखिए आप, ये इतने ही जाएंगे, चलिए ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि सक्सेस है, आपका कौन इसमें टूटेगा नहीं सर है। ये इल्मिट वाला है और ये मैं निकाल रहा हूं, कौन टूटा नहीं है, है ना। आप हर चीज को नोटिस कीजिए सर, मशीनरी की लाइन में बना तो कोई और कोई देगा, लेकिन सक्सेस रेशियो उसमें होना चाहिए, वो उच्ची प्रोडक्ट सक्सेस होनी चाहिए। मैंने आपको आधे घंटे का बोला, भी अगर आइसक्रीम अभी निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन उसमें आपको हार्डनेस कम मिलेगी। हार्डनेस को सेट किया हुआ कंपनी ने 5.5 है, अभी हमने सेट किया है इसको, इसमें है ऑप्शन, आप अपने हिसाब से हार्डनेस को कम ज्यादा कर सकते हो। अभी 5.5 पे किया है, अभी ये 3.1 पे लेके गया है, 3.1, 3.2, 3.1, 3.2 वहां चल रहा है, ठीक है। और मशीन जो है वो आपका ये पफ भी कर रही है, अभी जाम भी हमने सेट किया, यहाँ पे कंपनी का लोगो है अंडर, है ना, ये चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, छोटे बड़े 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 प्रोसेसिंग चल रहा है। यहाँ पे सेट का बटन है, सेट करेंगे तो यह क्या करना है आपको, तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, रीसेट करना है, यूजर सेटिंग करना है, फैक्ट्री सेटिंग करना है तो वो है, क्लीनिंग है, ऑटो है, स्टॉप है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको ऑन ऑफ का बटन दे दिया जाता है तो ऑन ऑफ कर सकते हो, बाकी मैंने जैसे आपको रिपल का टॉपिंग्स का सारा बताया वो उसके अंदर, तो जैसे हम बटन दबाएंगे यहाँ पर टच किया है कि भाई आपको आना है या नहीं आना है, एंड अगर हमको जाम चाहिए तो कौन सा चाहिए, तो बोले राइट जाम चाहिए, तो राइट जाम को टच कर देना है और यहाँ से राइट जाम साथ में होके आइसक्रीम के ऊपर होके आएगा। फिर लेफ्ट जाम को सिलेक्ट कर लेना है तो लेफ्ट जाम जो है वो मशीन में सिलेक्ट होके फिर आए। अब मशीन के अंदर जितने भी पार्ट्स डाले गए हैं सारे स्टैंडर्ड और जेन्युइन, ये पूरा जो है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे सर, यह देखिए पूरा कटिंग वगैरह बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कटिंग है इसमें, ठीक है। मशीन के अंदर लोगों के अंदर एसएस ब्रांड कंपनी का लोगो है ना, और मशीन के अंदर जो कंप्रेसर डाले हुए हैं स्टैंडर्ड है, जो कंडेंसर डाले हुए हैं बेस्ट क्वालिटी के हैं, मोटर हैवी डाली हुई है मशीन के अंदर जो है वो, जो आपको भी चैम्बर बताया मैंने, चैम्बर के अंदर जो कूलिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, तो कैसे होती है उसके अंदर जो गैस डाले गए हैं, जितनी ग्राम में डालने, जितनी कैपिलरी डाली है वो अच्छे डाले गए हैं। हैंडल की शाइनिंग को देखिए, हैंडल की क्वालिटी को देखिए, हैवी हैंडल्स डाले गए हैं। ये चार इसको जो स्क्रू है जो इसको हेड को संभाल के रखे हुए हैं वो हैवी क्वालिटी के डाले हैं, क्योंकि ये आपको रोजाना खोलने हैं। अगर आपका माल खत्म हो गया और आपको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं, रोजाना नहीं तो 2-3 दिन में एक बार खोलना है,
तो जब आप दो तीन दिन में भी खोलेंगे तो आपको एक इजी ऑपरेटिंग चाहिए, तो ये हॉपर्स खोलने के लिए अच्छे स्क्रू दिए होंगे। ठीक है, देखिए 4.1 पे आ गया, कूलिंग फास्ट है, मैंने आपको आधे घंटे का बताया था, ये प्रोसेस फास्ट कर रहा है, 10 मिनट हुई है। अब देख सकते हो तकरीबन 40 के 39 के आसपास किया था इसको, 40 के आसपास किया था, तो 12 मिनट हुई है उसको देखते हुए, और जो है अपना वर्क फिनिश हो गया मशीन का 12 मिनट में। ठीक है, दोबारा मैंने उसको ऑन किया, ठीक है, एच सिम निकालने के लिए, और करते तो ऑटोमेटिक भी हो जाता। अब यहां पर जो है ये डिफरेंट डिफरेंट डाइज है हमारे पास, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह और ये सात, और ये हो गई अपनी आठ, ये हो गया नौ, और एक और का है, नौ है, एक और चाहिए, एक और होना चाहिए। ठीक है, तो 10 हो गए, और 10 हो गए ये, और बाकी इसके अंदर से जो रिपल्स निकलेंगे तो उसको मिला के 25 अलग अलग बना सकते हैं। अभी बना के दिखा देता हूं। ठीक है, हम पहले बनाएंगे जाम के साथ, ये देखिए आप, और इस चीज का नोटिस कीजिए कि जो ऊपर का जाम है वो ब्लैक करंट फ्लेवर में है, और एकदम परफेक्ट जैसे आना चाहिए वैसे आया हुआ है वो। ठीक है, और नॉक भी सही से बन रही है, और ये इसको उल्टा कर रहा हूं मैं, और उल्टा करके तुरंत नहीं फिराया है, और आइसक्रीम अभी जमी हुई है, यानी हार्ड है। अब टेस्ट करके बताएंगे, लीजिए आप टेस्ट कीजिए। ये बटर स्कॉच फ्लेवर है और उसमें ब्लैक करंट टॉपिंग है, कैसा लगा मैम आपको? बहुत टेस्टी है, और ऐसा हार्ड है, बेस जैसे हम लोग नॉर्मली आइसक्रीम्स में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर लग रहा है ना, लेकिन खाने में सॉफ्ट है। अब ये वाला निकालेंगे, यहाँ पर मैं जाम सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप सारी चीज को देखिए, कंटिन्यू हम आपको बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग काफी इजी है, और ये आपका जो है वो ये लाइट टॉपिंग के साथ वेनिला, वेनिला प्लस ये आपका फ्लावर हो गया, फ्लावर वाला आइसक्रीम हो गया, पूरा फ्लावर डाई में है। ठीक है, और अब यहां पर हम जो उसकी डाई है उसको चेंज करेंगे बीच में, और अलग फ्लेवर और निकाल के बताएंगे। एक बता दी आपको, अब हम ये वाला लेते हैं, ये दोनों मिक्स में है और अलग डाई फिट की हुई है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट लुक वाले जो है हम इसमें से आइसक्रीम बना सकते हैं, और ये इसको मैंने उल्टा किया हुआ है, और आइसक्रीम अभी नीचे गिर नहीं रहा है। ठीक है, दीजिए टेस्ट कीजिए, चाहे आपके पास आप मिक्स वाला टेस्ट कीजिए, तो आप अलग अलग जो है वो उसमें निकाल सकते हैं डाई को लगा के। अब ये वाली डाई लगा रहा हूं मैं, और उसमें यहां पर ये लग गई, और यहां से मैंने कॉर्न लिया है, जो कॉर्न होल्डर लगा हुआ है वहीं से, और अब जो है वापस से हम निकालेंगे। आप नोटिस कीजिए कि ये अलग है, और नॉक को देखिए, क्वालिटी देखिए मशीन का, कैसा क्वालिटी है। हर कोन को मैं आपको उल्टा करके भी दिखा रहा हूं, तो आइसक्रीम जो है वो जम गई है प्रॉपर, और खाने में बाइट करने में सॉफ्ट है, और इसके अंदर अच्छी तरीके से जो है वो आपका पफ ऐड हुआ है।
ये पफ क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि एयर होता है, एयर जिससे आपके ग्राम्स ज्यादा लगते हैं। अगर ये कोन की कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो अप्रोक्स ये 9 रुपीज के आसपास या 10 रुपीज के आसपास कॉस्टिंग हो गया। ऐसा क्यों? पहले तो 7 रुपए बताया था, अब क्यों? हैवी है ना, इसमें माल जो है वो ज्यादा ग्राम की क्वांटिटी में गया हुआ है, उस वजह से। तो हम जितना ऊपर लेयर चढ़ाते जाएंगे उतनी कॉस्टिंग उसकी बढ़ती जाएगी, यू नो। मम्मी को अभी अगर हम 50 ग्राम के कॉर्न की बात करें तो एक वजन काटा लाइए। अब उसमें मैं आपको बताता हूँ, जो मार्केट में इतना बड़ा लेयर करके आपको बताया जाता है ना कि 6 रुपए का पड़ रहा है, 6 रुपए में कुछ नहीं पड़ता है, झूठ है, झूठ। हम यहाँ पे आपको सच बताएंगे जो सच है एक्चुअली में। अभी आपको वजन करके बता रहा हूं मैं, जो मार्केट में कोई नहीं बताता आपको, आइसक्रीम में कोई वजन करके नहीं बताता, मैं वजन करके अभी बताता हूँ आपको। देखिए उसमें भरने की ट्रिक के ऊपर होता है कि आप भर किस तरीके से रहे हैं, ठीक है, और कौन सी डिजाइन में ले रहे हैं। अभी देखिए मैं आपको ये कौन निकाला मैंने, ये हम भर रहे हैं। चलिए ये इतना तो चाहिए कस्टमर के लिए, ये वजन कर रहे हैं 96 ग्राम। दोस्तों 100 ग्राम के आसपास का कॉर्न है और लोग बोलते हैं कि 6 रुपए में पड़ेगा, 5 रुपए में पड़ेगा, नहीं पड़ता है इतने में। अभी आपको पूरा कॉस्टिंग करके बता देता हूं मैं कि कितने रुपए में पड़ेगा। इसको आप 100 ग्राम का गिन लीजिए अभी, ठीक है। चलिए 96 था, राउंड फिगर में 100 गिनिए। क्या हिसाब लगाए थे दूध का? सबसे पहले मिल्क एड होता है तो मिल्क हमने किया था सर 70 रुपए का, ठीक है, 70 रुपए का आपका मिल्क हो गया, ठीक है, दूध। इसके अंदर हमने प्रीमिक्स पाउडर डाला था 50 रुपए का, ठीक है। अब ये आपका कितने हो गए, 120 रुपए हो गए। अब 120 रुपए में कितने कौन बनेंगे, है ना, मेन वही सवाल है कि भाई 120 रुपए हमारे खर्च हुए उसमें कौन कितने बनेंगे। तो उसके अंदर आपका 1 लीटर दूध था और 250 ml लिए था, यानी कि 1250 ग्राम माल हुआ, 1 किलो 250 ग्राम, बराबर है। उसमें से 100 ग्राम हमने जो है अभी एक कोन के अंदर डाला, तो 1250 भाग्या 120, 10 रुपए का एक कोन पड़ा। कितना वाला? ये अभी जो मैंने गिना हो, जो 100 ग्राम का कोन होता है वो 10 रुपए का पड़ा। आइसक्रीम आइसक्रीम फिर एक कोन है, तो कोन जो है वो 1 रुपए का कोन ले लीजिए तो कितने का हुआ, 11 रुपए का। 1 रुपया लाइट बिल गिनी है तो 12 रुपए का कोन पड़ रहा है। और जो कोन अगर हम 50 ग्राम का बनाएंगे तो कितने में पड़ेगा और कैसा दिखेगा वो दिखाता हूं। तो आप देखिए, आपको कम ग्राम का 50 ग्राम का कोन बना के दिखाता हूं। यहाँ पे काटा है 0, ये छोटू कोन है, राइट, 50 ग्राम का है, 56 ग्राम का है, 56 ग्राम का। अंकल देखिए ऐसा दिखेगा ये। अब इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ रही है अप्रोक्स 6 रुपए। अब आप बेचिए आराम से, हंसते हंसते जो है वो 10 रुपए में 15 रुपए में भी बिकेगा, है ना। फिर वो रिपल टॉपिंग वाला तो मैंने आपको बताया है। अब रिपल वाला जिसकी एक्चुअली कॉस्ट में हर कॉर्न की बताऊंगा आपको, बड़े बड़े पहाड़ बनाने मुझे भी आते हैं, बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बहुत सारा बड़ा भी बना सकते हैं। इसमें भी बनाया, इसमें बोलो ये पड़ रहा है ले लीजिए, 5 में पड़ेगा, 50 में बिकेगा, 5 में कुछ नहीं पड़ता है, ये 15 रुपए का प्याली पड़ा है घर में, ठीक है। तो जो है यहाँ पे फेक बताया जाएगा, नोक भी अच्छी बनी है, ठीक है। अब इसमें रिपल वाला बना के बता देता हूँ, जो 7.5 रुपए वाला एक बनाते हैं अपन, घर में 7.5 रुपए में पड़ेगा। अब सेल जो है वो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, मैंने एक कॉर्न निकाला है कॉर्न होल्डर से, यहाँ पर जो है मैंने सिलेक्ट किया है जाम, जाम के साथ निकालेंगे, खत्म, माल खत्म। चलो चलो ये वाला नहीं तो वेनिला वाला निकालते हैं, ये इसमें निकालेंगे तो पहले से ऑलरेडी माल चला गया इसमें, इसके लिए नहीं चलेगा। लो वंस मोर, ये भी खत्म। अब ये खत्म नहीं हुआ है माल, ठीक है, क्योंकि कौन तो इतने ही खाए हैं, तकरीबन मैक्सिमम 10 या 15 कौन निकाले। अब इसमें माल है लेकिन माल जो ये हॉपर्स में पड़ा हुआ है, खोल के दिखा देता हूं मैं आपको, ये बंद किया मैंने, ठीक है, और ये इस तरीके से चाकियों को खोल लेना है। कितनी हैवी एक नट है आप फील कीजिए सर,
अभी इसमें प्लास्टिक वाली भी आपको फिल करवाऊंगा, अभी आप ये फिल कीजिए तो क्वालिटी में आपको पता चले। खूबसूरती तो है ही उसकी और साथ में हैवी भी है सर। अब पूरा सपोज समझो कि हर दो दिन में एक दफा खोलनी है जिस चीज को, वो मेरे हिसाब से हैवी होनी चाहिए ताकि लॉन्ग टाइम तक चल सके और मेंटेनेंस ना आए। ये देखिए इस तरीके से इसको खोलना है, ये खुल गया, ये खुल गया, अब ये अपना हेड निकल गया। तो चलिए अंदर से देख लीजिए कि किस तरीके से आपकी आइसक्रीम बनती है। पूरा मैकेनिज्म भी सबसे देता हूं मशीन का। ऊपर हमने डाला रॉ मटेरियल जो है वो एयर मिक्स होते हुए यहां पर आया, अब ये चलेगा घूम 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 ऐसा, ठीक है, ऐसे चलता है वो। आई बाहर आने लगी, देखिए अब इसको ये आइसक्रीम बाहर आ रही है। उसको वो जो मशीन जो है उसको रोक के अभी कर रहे थे तो नहीं आ रही थी क्योंकि इतना ही माल बचा है इसमें, वो इतना माल नहीं है, काफी माल है। ट्रे दे दीजिए मेरे को नीचे रखने के लिए ट्रे, ताकि मैं ट्रे में निकाल के बता दूं कि कितना माल अंदर रहेगा। ही आपको डेमो देना था, एक 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 लीटर का माल बनाया। एक्चुअली में माल बनता है 4 लीटर का, ज्यादा के भी बना सकते हो, एक एक लीटर तो इसमें ही रह जाता है, बाकी जो है आपका ऊपर रहता है। 10-10 लीटर का हॉपर स्टोरेज जिसमें टैंक रहता है, यानी कितना माल जो है आपका बन जाएगा वो भी बता देता हूं। जैसे आप 100 ग्राम वाले बड़े वाले कौन जो अभी मैंने दिखाए, जो आप 25 रुपए वाले बेचेंगे, जो घर में पड़ रहा है आपको 12 रुपए का, तो 25 में बेचेंगे तो वैसे कौन कितने निकल जाएंगे फुल्ली लोडेड करेंगे तो वैसे अभी 10 बन रहे थे एक में, बराबर है, तो 100 कौन बन जाएंगे, क्योंकि 1 लीटर की जगह पर 10 लीटर का माल बनेगा, तो 100-100 कौन का स्टॉक हो सकता है। उस हिसाब से 100-100 कौन तक की अंदर स्टोरेज दी गई है। मशीन की कैपेसिटी की बात करें तो 1 घंटे में 60-60 कौन आप निकाल सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब यहां पर ये इस तरीके से ऐसे निकलेगा, ये अभी नहीं निकलेगा, बहुत जम गया, थोड़ी देर के बाद निकलेगा ये, ठीक है। तो निकाल के उसमें देखेंगे बहुत सारा आइसक्रीम निकलेगा। अब भाई इस तरीके से तो निकालना नहीं है हमको, ये तो दिखाने के लिए करा है। वो वापस से कनेक्ट होगा और इसको डाल दिया जाएगा इसको क्लीनिंग मोड पे, फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो पूरा लिक्विड फॉर्म में बन के निकल जाएगा, फिर वो लिक्विड फॉर्म को दूसरे माल के साथ एड ऑन करके जाने दिया जाए। यही प्रोसेस है उसकी, ठीक है, ये प्रोसेस है कि कितना माल अंदर रह जाएगा, तभी इसको वापस से लगाएंगे और जब ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो वो निकल जाएगा। फिर इसको ऑटो क्लीनिंग मोड पे आप पानी को डाल के छोड़ दीजिए, ऑटो क्लीनिंग मोड के माध्यम से पूरी मशीन क्लीन हो जाएगी। और डीप क्लीनिंग के लिए अभी जो आपको बताया हो वो अंदर घुमाने वाले जो दो चक्कर है उसको निकाल के टूथब्रश से इसे वार्म वाटर से धोना है ताकि पूरी चिकनाहट जो है निकल जाए। तो ये था हमारा सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन। इसमें हमारे पास बहुत सारे मॉडल है, तो आप अंदर चलिए, मैं आपको मॉडल्स दिखाना शुरू करूंगा। हमारे दोनों मशीन की बात हुई थी कि आपको एक सोडा भी देखना है और एक सॉफ्टी भी देखता है, दोनों के हमने डेमोज दे लिए। अब मैं आपको हमारे शोरूम में लेके जाऊंगा, आप हमारे शोरूम के अंदर इसके अलग अलग मॉडल्स देख लीजिए, उसमें से जो पसंद आए आप अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। आइए, ये सारे सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है, सभी के अंदर आपका सॉफ्टी बनेगा, सबके अंदर एयर पंप सिस्टम दिया हुआ है, सबके अंदर सारी सुविधा दी है। जो आपको जो फ्लावर बनाने का बताया वो फ्लावर जो है ये मॉडल में दिया हुआ है, टच स्क्रीन ये मॉडल में दिया हुआ है, स्टील के हैंडल ये मॉडल में दिए हुए हैं, स्टील के ये वाले जो है ये मॉडल में दिए हुए हैं। फिर इससे थोड़ा सा डाउन, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, जिसके अंदर पूरी बॉडी स्टील की मिलेगी, यहाँ पे सादा स्क्रीन मिलेगा और टच बटन मिलेंगे, बटन टच है, स्क्रीन नहीं है, टच बटन है, टू सब टच से ही होता है लेकिन बटन है, देखिए ठीक है, टच बटन है। तब ये मशीन के अंदर आपको डाइस भी मिल जाएगी लेकिन फ्लावर नहीं मिलेगा, फ्लावर जो आपको दिखाया उसमें 3 डाई थी और मैंने आपको 1 का ही डेमो दिया है, लेकिन उसमें 3 अलग अलग फ्लावर डिजाइन है, यहाँ पे लगा के भी रखी है, आपको देखने रहेगी, देखो ये 3 और 3 रहेगी, सेम मॉडल ही है, ज्यादा क्वांटिटी में रखे हुए हैं और इससे भी ज्यादा हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ये अलग अलग है,
इसको बदल के जाम वाला भी डाल सकते हो, इसको बदल के सादा स्टार वाला भी डाल सकते हो, और 20 प्रकार के अलग अलग आप निकाल सकते हो। इसमें वो नहीं रहेगा, बाकी ऐसे सब डाइस रहेगी साथ में, ये वाली रहेगी। अब ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 ये प्लास्टिक वाले हैं हैंडल, ये स्टील वाले हैं। ठीक, तफावत अगर कोई पूछे तो मैं तफावत बता देता हूं। अंकल हाथ में लीजिए और बताइए, आपको भी बताया ये भी बताया, क्या फर्क लगा? ये हल्का है, वो हार्ड है, ऐसा ही है। अच्छा, क्वालिटी वो अच्छी है ना। जो जितना पेमेंट डालेगा, हमारे गुजराती में कहावत है गोड़ नाखो अल्लो गोड़ियो थाय। इसमें होपर अंदर नहीं है, ये जो आप देख रहे हो यहां पर है, यहां पर अलग से दो दिए हुए हैं लेकिन अंदर नहीं है। वो अंदर का अपना मजा है, वहां से लेने का वो इजी रहता है, वहां से लेना। यूं जब हम यहां से कौन को निकालेंगे और यहां से निकालेंगे तो यहां से हमको ज्यादा इजी रहेगा, यहां से टूटने के चांसेस रहते कौन के। तो ये हो गया। अब कंप्रेसर की बात करें सेम है, डायमेंशन की बात करें सेम है, बाकी सब सेम है, और ज्यादा फर्क रखे नहीं है। अब यहां पर जो है आपको गोल्डन के अंदर मिल जाता है, गोल्डन वाली ये मशीन। अब भाई इसमें और इसमें और इसमें क्या फर्क है, क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। तो ये है कि ये हमारा टॉप मॉडल है, हमारी कंपनी ने टॉप मॉडल ये बनाया है। इसके अंदर स्टील के हैंडल दे दिए कंपनी ने, ये वाले जो स्क्रू है वो भी स्टील के दे दिए, और यहां पर आपको जाम का ऑप्शन दे दिया, और आपको टच स्क्रीन दे दिया। ठीक है, और इसमें यहां पर जो है आपको कॉन होल्डर दे दिया उस, और आपको फ्लावर वाला मॉडल भी दे दिया। फ्लावर डाइस जो है उसमें रहती है, इसमें फ्लावर आइसक्रीम निकलता है, उसके अंदर आपको फ्लावर आइसक्रीम नहीं निकलेगा, टच स्क्रीन नहीं मिलेगा आपको, जो है वो ऐसा कौन रखने के लिए नहीं मिलेगा, तो उसकी कीमत थोड़ी सी कम है, और उससे इसकी कीमत कम है क्योंकि ये प्लास्टिक में है। आगे बॉडी खूबसूरत तो है लेकिन आगे प्लास्टिक है। तो और ये मार्केट से हमारी मशीन प्लस है, मार्केट में भी इस टाइप की मशीन मिलती है, लेकिन उसमें और हमारा में ये फर्क है कि हमारा कंप्रेसर हैवी है, क्योंकि ये सारी मशीनें चाइना की, और जो भी बोल रहा है इस टाइप की मशीन बेचने वाला मैं खुद बनाता हूं जाके देखिए झूठ बोल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर 2-3 कंपनी सॉफ्टी आइसक्रीम बनाती है दोस्तों, बाकी सब झूठ बोलते हैं, झूठ। और वो झूठ में आप आ जाते हो, फंस जाते हो, रो जाते हो। हम तो सच बोलते हैं कि हम ये बनाते ही नहीं, हम चाइना से बनवाते हैं मशीन, सच बोल रहे हैं। ये सारी मशीन अंकल चाइना में बनती है। चाइना में कैसा है कि आप 1 रुपया कम करोगे तो 1 रुपये का माल कम कर देंगे, किसी का वो लोग सुनते नहीं। जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया, वो यूं बोलोगे कि 1 रुपये वाली, हाँ हाँ सब मैं बोलो, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 40,000 में बना के दे देगा वो, और 90,000 में भी बना के देगा। फिर यहाँ आते आते 1-20 तक हमको पड़ेगी, तो हम फिर 1-50 में बेचेंगे, कुत्तों कमाएंगे, रोजी रोटी लेके बैठे। सीधा हिसाब है, सीधा गणित है हमारा, कोई ऐसा बोलता नहीं, कोई समझाता नहीं। अब क्वांटिटी में बनाते हैं ना तो क्वालिटी भी मिलती है और प्राइस भी डाउन मिलता है। हमारे पास खाली शोरूम में इतनी रखी हुई है, अब हमारा वेयर हाउस आके देखिए आपको पूरी सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन भरी हुई दिखेगी। तो हमको अच्छी मिलती है और हम बेस्ट प्राइस में बेचते हैं। तो हमारे हैंडलों में फर्क है, हैंडल हैवी है, बैठिए अंकल, हैंडलों में फर्क है। हमने कंप्रेसर हैवी करा रखा है, हमने ये जो है ये हैवी कर रखे हैं, अंदर बहुत सारे दूसरे फीचर्स है, ये देखिए स्टील का करके रखा है, पकड़िए प्लास्टिक का, प्लास्टिक के अंदर भी क्वालिटी रहती है। तो हर चीज में हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए मशीनें बनवाई है, और बाकी सब कंपनियों का मैं नाम नहीं लेता, जो आप यूट्यूब पे देखते हो यूं बोलता है कि मैं बनाता हूं, कोई बनाता नहीं है भाई, समझ में। सोडा सॉप मशीन बनती है, मोबाइल वन सोडा मशीन बना सकते हो सकता है, बाकी ज्यादातर मशीनें ये जो ये वाले सेगमेंट में सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन में अंदर चाइना की है। तो क्यों यूं नहीं बोलते कि ये भी मैं बना रहा हूं? ये जो है वो स्लश मशीन है, तो स्लश मशीन भी चाइनीज। ये शोरूम में आप खड़े हैं, इसके अंदर स्लश मशीन है, छोटी सॉफ्टी है, बड़ी सॉफ्टी है, फ्राइड आइसक्रीम मशीन है, तवा आइसक्रीम मशीन है, और ये आपका जो है हार्ड आइसक्रीम मशीन है, ये सब जो है वो चाइनीज है, कोरियन आइसक्रीम मशीन है चाइनीज। लेकिन वहां पर बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती है, ऐसा नहीं। छोटा सा चीज दिखा देता हूँ, एप्पल का मोबाइल है, 1,70,000 रुपए की मोबाइल होती है, वो बनता चाइना में ही है, और 1,70,000 में बॉक्स भर के भी वो लोग मोबाइल देते हैं। तो क्वालिटी है, कौन सा आप लेना चाहते हो। तो हमारी कंपनी बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सर्विस, बेस्ट परफॉर्मेंस, और पूरा आपको पूरा सिखाती है कैसे बनाना है, उसका रॉ मटेरियल भी पूरा हम प्रोवाइड करते हैं।
हमारे पास फ्लेवर के अंदर आपको पूरे इंडिया के अंदर इतने फ्लेवर नहीं मिलेंगे जितने हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। सो मैं पूरा फ्लेवर की लिस्ट मैं बोल देता हूँ भाई को, वहां पर रख देंगे डिस्प्ले पे, तो वो सारे फ्लेवर आपको मिल जाएंगे। आपको हर प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा दोस्तों। सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन खरीदने के बाद जो जो चीजों की जरूरत है वो हर चीज हमारी कंपनी बेचती है, आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ऐसी कामयाब क्वालिटी की सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन खरीदने के लिए डिस्प्ले दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, कंपनी में आके विजिट कर सकते हो। सर हमारे विजिट करने के लिए कहाँ से आए थे सर आप? हम महाराष्ट्र से, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट। सर नंदुरबार से इतना लॉन्ग जर्नी करके आए, कैसे मालूम पड़ा आपको? हमने यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे तो बहुत सारी कंपनी डालती है कि हम भी बेचते हैं सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, हमारी कंपनी में आया सर विजिट करने के लिए, क्या वजह रही सर? हमको लगा कि जाके देखिए पहले कैसा क्या है, कल्पना सब अच्छा लगा हमको। सर देखिए, ये जो हमारी मशीनें हम बेच रहे हैं, ऐसी मशीनें बहुत सारी कंपनी बेचती है, वो भी बाहर से ला के बेचती है, और वो डेमो का पैसा लेती है, कस्टमर से पहले एडवांस पैसे ले लेती है कि भाई मेरे उनको पैसे दो तो हम आपको डेमो देंगे, या फिर हमको आइसक्रीम मशीन चालू करने के लिए 1,000-2,000 रुपये दो तो हम चालू करेंगे, या आइसक्रीम का कौन का हमको पैसा दो जितना आपने खाया। सर यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम है? एकदम बढ़िया, आपने सब फ्री में दिया है, डेमो अच्छा करके बताया है, क्वालिटी भी अच्छी है। और डेमो फ्री होना चाहिए मेरे हिसाब से, डेमो का भी कोई पैसा नहीं होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये इंडस्ट्री में होता है, तो अच्छे से पूछ के जाना भाई। और डेमो आपको कितनी देर में दिया है वो बताइए, आप आए कोई एक मिनट भी आपको वेट कराया है तो बताइए, एक मिनट नहीं, आते बरोबर आपने सब काम चालू किया डेमो का, हर प्रकार का। आपका डेमो तकरीबन 2 घंटे तक चला है? 2 घंटा चला कंटिन्यू। लेकिन आपको कहीं पर भी ऐसा लगा कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप बोर हो रहे हो, या आपको चीज बताई नहीं या समझाई नहीं है, सिखाई नहीं कुछ ऐसा लगा? नहीं, सब बढ़िया बताया है ना। हो 2 घंटे तक कंटिन्यू आपका डेमो चला, आपको रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट निकालने तक का आपको नॉलेज दे दिया, सभी प्रकार का बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर आप भी इस तरीके का लाइव और फ्री डेमो लेना चाहते हो तो हमारी कंपनी से सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन अहमदाबाद गुजरात दानीमड़ा विस्तार में है, और इसी के साथ एक कस्टमर और भी है जिन्होंने अभी मशीन बुकिंग कराई है सॉफ्टी की। अगर आप भी बेस्ट क्वालिटी की मशीन रिजनेबल प्राइस में लेना चाहते हो और पूरा बेस्ट डील करना चाहते हो तो इसमें दिखाए गए नंबर पर कॉल करें, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये सभी नंबर व्हाट्सएप पे भी होने दोस्तों, तो कॉल करें और जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन वीडियोस। थैंक यू।